हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों फिर से लेकर आ चुका हूं एक बार बहुत ही प्यारा कलरफुल कलेक्शन में आप सब के लिए। और आप देख सकते हैं कितनी सारी प्यारी प्यारी चीजें आज हमारे पास। और गाइस ऐसी ऐसी चीजें ना जो आपने शायद ही कभी देखी होंगी, ऐसी ऐसी चीजें मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। तो पूरा वीडियो देखना गाइस एंड तक और पूरा इंजॉय करना। और छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये देखो हमारे पास एक डोम्स की पेंसिल्स। ये देखो डोम्स की फ्यूजन एक्स्ट्रा डार्क सुपर डार्क पेंसिल है हमारे पास, ये देखो काफी बढ़िया। और इसके साथ गाइज हमें एक इरेजनर भी मिलता है और एक स्केल भी मिलता है। तो गाइज ये जो सेट अगर आप खरीदने जाएंगे तो ये आपको 70 रुपीज का मिलेगा शॉप से, ये वाला सेट। और यानी कि एक पेंसिल आपको 7 रुपीज की पड़ जाएगी। तो चलिए इसको अनबॉक्स करके देख लेते हैं कि किस तरीके की क्वालिटी हमें इसके अंदर देखने के लिए मिलेगी और इसका इरेजनर कैसा होगा वो भी हम अभी देख ही लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो खोल लेते हैं इसको, ये हमने खोल लिया गाइज, ये देखो। और इसके अंदर काफी सारी प्यारी प्यारी पेंसिल नजर आ रही है। तो देख लेते हैं इनको निकाल के कैसी हैं ये पेंसिल्स। वाओ क्या मस्त कलर है गाइज इन पेंसिल्स का, ये देखो क्या बात है, एकदम ब्लैक कलर है। और इनके अंदर जो स्टार्स बने हुए हैं ग्रीन कलर के, ब्लू कलर के और रेड कलर के, देखो गाइज क्या चमक मार रहे हैं ना गाइज ये स्टार, कितनी मस्त है ना गाइज ये पेंसिल। मुझे तो ये पेंसिल बहुत अच्छी लगी। और इसके अंदर इसका स्केल कैसा है और इसके अंदर जो है इरेजनर कैसा है वो भी देख लेते हैं एक बार। ये देखो हमने निकाल लिया है गाइज बाहर, ये देखो ये हमारा स्केल है डोम्स का 15 सेंटीमीटर का। और ये हमने लिया है गाइज 5 रुपीज का हमें मिलेगा, अगर अलग से हम स्केल को इसको खरीदने जाएंगे तो काफ़ी अच्छा है, टूट वूट भी नहीं रहा है। और यहाँ पर इरेजनर है, और इरेजनर कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ से तो इरेज करेगा ये, और अगर आपको पेंसिल शार्प करें तो यहाँ से पेंसिल डाल के शार्प करो और कचरा ऐसे ओपन करके निकाल के आप डस्टबिन वगैरह में फेंक सकते हो। तो कैसा लगा आपको इरेजनर, और इरेजनर गाइज ये 10 रुपये का जो है आता है अगर आप अलग से खरीदने जाते हैं तो। इसके बाद गाइज हमारे पास है आप सबके लिए बहुत ही ऑसम और यमी यमी चॉकलेट। ये देखो यहाँ लिखा है चॉकलेट नोटबुक। अब आप देखोगे कहोगे यार ये चॉकलेट नोटबुक तो नहीं है, चॉकलेट ही लग रही है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ निकाल के, ये एक बहुत ही यमी चॉकलेट है। ये देखो गाइज यहाँ से थोड़ी खाई हुई भी लग रही है ना, पर मैं आपको बता दूं ये चॉकलेट जैसी दिखने वाली एक नोटबुक ही है। ये देखो इसके अंदर कितने सारे पेज दिए गए हैं, और बाहर से इसको कोई देखेगा तो कोई कहेगा ही नहीं कि ये चॉकलेट है। और इसकी खुशबू भी बहुत बढ़िया है गाइज, और इसको स्मेल करोगे ना एकदम रियल चॉकलेट वाली इसके अंदर स्मेल आती है। और देखो यहाँ पर लिखा भी है मिल्क चॉकलेट, और बहुत ही प्यारी है गाइज। जब मैंने इसको पहली बार देखा तो मैं भी शॉक में आ गया था कि ये क्या चीज़ है। और इसका मैं प्राइस बताऊँ आपको, इसको जो है हमने 50 रुपीज में इस चॉकलेट वाली डायरी को जो है खरीदा है। चलिए रख देते हैं इसको और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट गाइज हमारे पास है ये देखो क्रैक्स रिंग्स। ये देखो ये आता है 5 रुपये में, 5 रुपीज में आता है, टेंगी टोमेटो फ्लेवर है। और इसके अंदर निकलता है जंगल सफारी टॉय। और गाइज वो कैसा टॉय हो सकता है वो देखो, ये 1, 2, 3, 4, 5 ये वाले टॉय भी हो सकते हैं, और इनमें से कोई अलग टॉय भी ये हो सकता है। तो इसको कट करके देखते हैं और देखते हैं हमारा इसके अंदर कौन सा टॉय निकलेगा। तो ये हमने कट किया जंगल सफारी वाले पैकेट को, और इसके अंदर बहुत ही यमी यमी स्नैक्स भी है, थोड़ा सा खाकर देख लेते हैं गाइज। बहुत यमी है गाइज ये तो। और इसके अंदर देखो गाइज एक टॉय भी आपको नजर आ रहा होगा, तो ये देखो एक टॉय भी निकला है हमारा पिंक या पर्पल कलर का। और इसके अंदर कुछ नहीं है, बाकी सिर्फ स्नैक्स रह गए हैं, स्नैक्स को बाद में खाएंगे। और इस टॉय को निकाल करके देख लेते हैं कि कैसा हमारा टॉय इसके अंदर निकला है। तो इसको निकाल लेते हैं बाहर, ये देखो इसके अंदर डिस्क वाला टॉय निकला है गाइज। और ये देखो इसके साथ कैसे खेलता है मुझे पता है। तो ये देखो गाइज इसके साथ हमें एक स्टिकर भी मिला हुआ है, ये काफी बढ़िया स्टिकर है, हमें स्टिकर को लेना है और इस डिस्क के ऊपर लगा लेना है। ये देखो गाइज जैसे कि किंडर जॉय के अंदर आता है वैसे इसी के अंदर आ रहा है, देखो स्टिकर का स्टिकर वाला टॉय आ रहा है। इसके कैसे खेलते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसको गाइज इस डिस्क में आपको फंसाना है ऐसे, और इसको पुश करना है जोर से, तो पुश आप जोर से करोगे तो डिस्क निकल के भागेगी। तो कुछ इस तरीके का टॉय इसके अंदर निकला है, काफी प्यारा टॉय है। और इसके बाद गाइज हमारे पास एक और डोम्स की अल्टीमेट डार्क जूम पेंसिल्स है। और गाइज ये थोड़ी अलग पेंसिल्स है, वो डार्क ब्लैक कलर की थी, अलग कलर की है। और इनका मैं प्राइस बताऊं आपको, ये भी अगर आप लेने के लिए जाएंगे तो ये आपको 60 रुपीज की मिलेगी ये सेट, और वो वाला 70 रुपीज का सेट था। और गाइज उसके साथ तो इरेजनर फ्री था, इसके साथ एक क्रिस्टल शार्पनर और एक ट्रायंगल इरेजर, इसके साथ यूनिक आइटम फ्री है। तो देख लेते हैं निकाल के इसके साथ जो मिल रही है चीजें वो कितनी ज्यादा यूनिक है, कितनी ज्यादा जो है अलग है। इसको खोलते हैं इस जगह से और निकाल कर देख लेते हैं कैसी हमारी पेंसिल्स होने वाली है। अरे वाह काफी यूनिक तरीके से ये ओपन हुआ, एकदम देख रहे हो आप
तो ये देखो, ये हमने खोला इसको और इसमें से कितनी प्यारी प्यारी पेंसिल्स हमारी आ गई हैं बाहर। तो पहले तो आप पेंसिल देख रहे हो, इसके अंदर 3 कलर्स की पेंसिल है हमारे पास। ब्लू वाली 3 है और पिंक वाली भी हमारे पास जो है 3 है, और ब्लू वाली 4 है, नहीं ब्लू वाली भी 4 है गाइस, और ये पिंक पर्पल वाली 4 है हमारे पास। ये देखो कितनी मस्त लग रही है ना गाइस ये पेंसिल। और ये ट्रायंगल शेप वाली पेंसिल है, यहाँ से आप देख सकते हो ट्रायंगल शेप में इनको शो किया गया है, काफ़ी बढ़िया लग रही है ये। और वो इनके साथ जो इरेजर और शार्पनर है क्रिस्टल वाला, वो भी हम निकाल करके देख लेते हैं गाइस। वो इसी के अंदर फंसा हुआ है, काफ़ी बढ़िया तरीके से जो है उनको पैक करके दिया गया है गाइस। इनको भी निकाल कर देखते हैं। तो ये देखो गाइस, हमने निकाल लिया इनको, इसके अंदर फंसे हुए थे ये। तो ये देखो, इसके साथ हमें मिला है एक डोम्स का क्रिस्टल शार्पनर, और ये शार्पनर आपने शायद ही कभी देखा होगा, ये बहुत कम मिलता है। 5 रुपये वाला शार्पनर है और छोटा सा शार्पनर होता है, बहुत क्यूट लगता है गाइस देखने में। ये देखो, ये डोम्स का क्रिस्टल शार्पनर आपने नहीं देखा होगा, बहुत कम देखा होगा आपने, इतना मस्त शार्पनर है ये। और इसके बाद गाइस ये देखो, डोम्स की ट्राइंगल इरेजर है हमारे पास। ये देखो, डस्ट फ्री फ्रेगरेंस इरेजर, यानी कि इसके अंदर से खुशबू आती है बहुत ही अच्छी, और पैकेट के अंदर है उसके बाद भी मुझे खुशबू आ रही है। तो कैसी लगी आपको डोम्स की ये पेंसिल्स, कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट गाइस मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखो हमारे पास है येलो डायमंड का मोटू और पतलू रिंग्स गाइस। ये मसाला फ्लेवर है, ये पैकेट भी 5 रुपए का आया है, और इसके अंदर निकलता है चिपकू टॉय। और देखो गाइस ये कैसे कैसे चिपकू टॉय है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर चिपकू वेब निकल सकता है, और हैंड डार्ट निकल सकता है, चिपकू डॉल्फिन निकल सकते हैं, और विसल इंसेक्ट बलून भी निकल सकता है। तो देखते हैं आज हमारा इसमें कौन सा टॉय निकलता है। तो इसको कट कर लेते हैं, और ये कट हो गया है। और इसके अंदर यमी यमी स्नैक्स हैं, थोड़ा सा खा के देखते हैं। ये देखो ये रहा स्नैक्स, बहुत यमी है। और इसके अंदर टॉय निकला है हमारा, एक पिंक कलर का टॉय है। ये देखो चिपकू टॉय निकला है इसके अंदर, देखते हैं कैसा टॉय है। स्नैक्स को बाद में खाकर फिनिश करेंगे, पहले अपने टॉय के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि हमारा मेन टारगेट टॉयज ही होते हैं। तो ये निकाल लिया हमने इसको बाहर, देखो भाई साहब क्या मस्त एक बटरफ्लाई वाला चिपकू टॉय निकला है हमारा। ये देखो गाइस, ये देखो बटरफ्लाई बनी हुई है, बहुत ही क्यूट यहाँ पर, ये देखो। और इसको कैसे खेलेंगे, इसको आप ऐसे उंगली में लगाएंगे और ऐसे मारेंगे, ये देखो गाइस, ऐसे आप चिपका चिपका के खेल सकते हो, किसी भी चीज़ के ऊपर इसको चिपका के खेल सकते हो। देखो गाइस, जहाँ भी मैं इसको चिपका रहा हूँ, ये तो एक पल के लिए चिपकता है फिर छूट जाता है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी है ना थोड़ी सी, इसी वजह से। तो ये चिपकू टॉय बहुत ही प्यारा लगा मुझे। इसके बाद गाइज मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे पास है बार्बी का इरेजर सेट। ये जितनी भी आप चीजें देख रहे हो ना बार्बी के आइटम्स, ये सब इरेजर है, पेंसिल्स को इरेज करने के काम आती है। तो इसको मैं अनबॉक्स करके आपको दिखाता हूँ, और दिखाता हूँ कैसी कैसी इरेजर हमें इसके अंदर मिलती है। तो ये देखो गाइज, काफी प्यारी प्यारी इरेजर है, और गर्ल्स को स्पेशली ये इरेजर बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है गाइज। ये देखो कितनी क्यूट इरेजर है इसके अंदर हमारी, ये देखो यहाँ पर बार्बी का पर्स भी है, ये देखो कितना क्यूट पर्स है ना, वाओ, एक बार्बी का पर्स है इसके अंदर। बार्बी के बड़े बड़े बूट्स भी हैं इसके अंदर, देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं बूट्स। ये देखो बार्बी के बूट्स भी हैं इसके अंदर, बार्बी का एक बलून भी है इसके अंदर, बार्बी जिससे खेलती होगी। और ये देखो बार्बी का हेयर ब्रश है इसके अंदर हमारे पास, ये इरेजर है, सब गाइज रबर की बनी हुई है। और ये बार्बी की परफ्यूम वाली बॉटल है, ये देखो परफ्यूम वाली बॉटल है। बार्बी का हैट है, ये देखो कितने क्यूट हैट है बार्बी का यहाँ पर हमारे पास। और इसके बाद लास्ट में गाइज बार्बी के सैंडल्स भी है गाइज, यहाँ पर देखो कितने क्यूट सेट है ना गाइज बार्बी का। ये बार्बी सेट इरेजर सेट गाइज हमने 150 रुपीज में खरीदा है, जो कि मुझे बहुत ही बढ़िया लगा था। इसके बाद गाइज हमारे पास ये देखो बहुत ही बढ़िया डाईकास्ट कार्स का कलेक्शन है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। देखो गाइज ये डाईकास्ट लिखा है, और यहाँ पर जो भी है कमर्शियल व्हीकल है, यानी कि जो काम में लेने वाले व्हीकल होते हैं, यहाँ पर देखो जेसीबी ट्रक है हमारा, टेम्पो वगैरह सब कुछ है। इसको निकाल कर देख लेते हैं, और फिर इसका प्राइस भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट। ये देखो गाइज, वाओ, इसके अंदर ये देखो रोलर ट्रक है हमारे पास, ये देखो रोलर वाला है, कितना मस्त लग रहा है ना गाइज देखने में, एकदम रियल टॉय लग रहा है ना। और ये ऐसे हिलता भी है गाइज, ये देखो ऐसे हिलता भी है, ये रोलर है इसके अंदर। और नेक्स्ट गाइज इसके अंदर एक्सीवेटर है, यानी कि क्रेन है, ये देखो गाइज ये मूव भी करती है, ये देखो इसको आप जैसे मर्जी मोड़ भी सकते हो, ये देखो गाइज, वाओ, ये देखो कितनी क्यूट क्रेन निकली है इसके अंदर गाइज, छोटी सी, मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आई क्रेन। इसके बाद गाइज ये देखो हमारे पास सीमेंट मिक्सचर ट्रक भी है इसके अंदर, ये दिया गया है, ये देखो गोल गोल घूमता भी है इसमें, आप इसमें सीमेंट मिक्स होता है जब सड़क वड़क बनती है, तो सीमेंट मिक्सर ट्रक का काम करता है ये।
काफी बढ़िया है। और इसके बाद गाइस ये देखो, ये कचरा वचरा हटाने के काम आता है, मलबा वगैरह हटाने के काम आता है, ये वाला ट्रक है। और इसके बाद गाइस ये देखो, ये वाला है कूड़े वाला ट्रक, ये देखो डंपर है, इसके अंदर बहुत सारा कूड़ा भर के ट्रक लेके जाता है और ऐसे खुल के ये खाली कर देता है। और इस सेट का मैं आपको प्राइस बता दूं, इस सेट का प्राइस है गाइस 500 रुपीज। 500 रुपए में आपको ये सेट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको ये सेट चाहिए तो अपना नाम और अपनी सिटी का नाम कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद गाइज हमारे पास है एक और ज्योमेट्री बॉक्स, जो कि बहुत ही शानदार ज्योमेट्री बॉक्स है। ये गाइज स्पेस वाला ज्योमेट्री बॉक्स, यहाँ पर कितना प्यारा एस्ट्रोनॉट बना हुआ है और हे आई लव स्काई यहाँ पर लिखा हुआ है। गाइज इसके फीचर्स बहुत ही प्यारे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से भी ये खुलता है और एक मिनी स्पेस यहाँ पर आपको मिल जाता है। इसके अंदर आप छोटी मोटी इरेजर शार्पनर इसके अंदर रख सकते हो। यहाँ पर एक बटन है, इसको दबाएंगे तो यहाँ से पेंसिल शार्प करने के लिए दो होल ओपन हो जाते हैं, एक बड़ी पेंसिल एक छोटी पेंसिल, और बाद में जो कचरा है उसको आप ऐसे खोल के निकाल करके फेंक सकते हो। तो कितना मस्त है ना, और इनको आप इजीली ऐसे स्लाइड करके बंद भी कर सकते हो। और गाइज यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको टाइम टेबल के लिए स्लिप मिल जाती है। सबसे पहले इसके अंदर आप टाइम टेबल लिख सकते हो, और इसके बाद गाइज यहाँ पर अपनी पेन पेंसिल वगैरह इसके अंदर आप लगा करके रख सकते हो। और यहाँ ही नहीं, इसके पीछे भी आपको बहुत बड़ा स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर अपने सेट स्क्वायर वगैरह मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह रख सकते हो। और इस ज्योमेट्री बॉक्स का प्राइस है 140 रुपीज। ये स्पेस वाली ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद गाइज हमारे पास ये देखो एक बहुत ही बढ़िया शार्पनर है, ये अलार्म वाला शार्पनर है, अलार्म वॉच जैसा लगता है बट एक शार्पनर है। यहाँ से पेंसिल डाल के आप शार्प कर सकते हो ये देखो, और बाद में कचरा ऐसे ओपन करके कचरा निकाल के फेंक सकते हो। इसके अंदर दो दो ब्लेड मिल जाते हैं तो दो दो पेंसिल इसमें आराम से शार्प हो जाएंगी। इसका प्राइस है 15 रुपीज। इसके बाद गाइज हमारे पास है ये क्यूब वाला शार्पनर, ये बहुत प्यारा शार्पनर है, इसमें आप यहाँ से पेंसिल डाल के शार्प कर सकते हो और बाद में किसी भी तरफ से कहीं से भी जिस मर्जी एंगल से आप इसको ओपन करके कचरा निकाल के फेंक सकते हो। ये देखो गाइज जैसे मैंने ये एंगल खोल दिया तो आप किसी भी तरफ से चारों तरफ से कहीं से भी खोल के कचरा इसमें से निकाल के फेंक सकते हो। इसका प्राइस है 10 रुपीज। इसके बाद गाइज हमारे पास ये देखो एक आउल वाला शार्पनर है, इसमें भी आप दो दो पेंसिल शार्प कर सकते हो, एक लॉन्ग पॉइंट एक शॉर्ट पॉइंट, और ये देखो कितना क्यूट लग रहा है। और इस आउल को आप ऐसे खड़ा भी कर सकते हो कहीं पर स्टडी टेबल के ऊपर और बाद में ऐसे ओपन करके कचरा निकाल के फेंक सकते हो। देखो गाइस इसके ब्लेड भी कितने अच्छे हैं। इसका प्राइस है 20 रुपीज। ये आउल वाला शार्पनर बहुत अच्छा है। और इसके बाद गाइस हमारे पास है डोम्स का इरेजनर, ये डोम्स कंपनी का 10 रुपीज का आता है। यहाँ पर इरेजर लगी हुई है गाइस, और इसका शार्पनर इधर से या इधर से पेंसिल डाल के शार्प कर सकते हो और बाद में ऐसे ओपन करके कचरा निकाल कर फेंक सकते हो, है ना गाइस कितना बढ़िया। और इसके बाद गाइस ये देखो हमारे पास है कीवी फ्रूट, ये देखो कीवी फ्रूट वाला शार्पनर है, और इसमें यहाँ से पेंसिल डाल के शार्प होएगा और बाद में ऐसे ओपन करके कचरा आप निकाल के फेंक सकते हो। ये भी हमने 10 रुपए में कीवी फ्रूट वाला शार्पनर जो है खरीदा था, ये मुझे बहुत बढ़िया लगा था देखने में। मुझे ऐसा लगा था क्योंकि रियल फ्रूट हमारे सामने रखा है खाने के लिए। और इसके बाद गाइस हमारे पास है डोरेमोन वाला एक कैप्सूल, और एक कैप्सूल के रूप में एक पेन है दोस्तों। इसको ऐसे खोल के ऐसे पुश करेंगे तो इसके अंदर से पेन निकल के बाहर आ जाता है और इसको वापस से ऐसे बंद कर सकते हो। ये देखो है ना गाइस कितना मस्त, ऐसे पुश करो ऐसे बाहर वापस से बंद कर दो, और ये कैप्सूल वाला पेन हमने 25 रुपीज में लिया था। इसके बाद गाइज हमारे पास है डोगी वाला शार्पनर, ये डोगी देखो कितना क्यूट लग रहा है ना, इसको आप ऐसे भी खड़ा कर सकते हो। ये डोगी क्यों है, क्योंकि इसके देखो कान भी दिए गए हैं। यहाँ से आप दो दो पेंसिल शार्प कर सकते हो, एक लॉन्ग पॉइंट एक शॉर्ट पॉइंट, और ऐसे ओपन करके आप कचरा निकाल करके फेंक सकते हो। इसका प्राइस है गाइज 20 रुपीज, इसमें दो ब्लेड दिए हैं एक बड़ा एक छोटा। कैसा लगा आपको शार्पनर कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट गाइज ये देखो बहुत ही बढ़िया हेलो किटी वाली एक ज्योमेट्री बॉक्स है हमारे पास, एक पिंक कलर की है, गर्ल्स को दिखाने के लिए मैं लाया हूँ स्पेशल। तो इसको ओपन करेंगे तो गाइज ये देखो बहुत बड़ा स्पेस मिल जाता है और इसके अंदर हमें एक मार्कर भी मिल जाता है। इस मार्कर का ये क्या यूज है मैं बताता हूँ। यहाँ पर एक व्हाइट कलर की ट्रे देख रहे हो, इसको स्लाइड करके हम बाहर कर लेंगे ये देखो कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर इस मार्कर से हम इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, और लिखने के बाद जब आपको मिटाना हो तो इसी के ऊपर ब्रश भी मिलता है, इसी ब्रश से आप मिटा भी सकते हो। ये देखो जैसे कि हमने मिटा दिया है, एकदम दिख भी नहीं रहा होगा आपको कुछ भी। ये देखो कुछ इस तरीके से इस काम करता है, और इसको वापस से आप अंदर कर सकते हो और मार्कर को इसके अंदर लगा के रख सकते हो, और यहाँ से खोलेंगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत बड़ा स्पेस अपने स्टेशनरी आइटम रखने के लिए मिल जाता है। तो ये ज्योमेट्री बॉक्स जो है हमने 150 रुपीज में जो है खरीदा है। कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताना। ये पिंक कलर का हेलो किटी ज्योमेट्री बॉक्स।
और नेक्स्ट गाइज हमारे पास है ये देखो JBL का एक मिनी बूस्ट फॉर मेटल स्पीकर। ये एक ब्लूटूथ स्पीकर है जो कि आपको बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। ये देखो हमने इसको निकाल लिया है और ये देखो ये ब्लूटूथ स्पीकर इसके अंदर हमें मिल जाता है, काफी प्यारा काफी क्यूट। और यहाँ से ये इसका चार्जिंग पॉइंट है गाइज, और यहाँ पर एक बटन है, इसको दबाएंगे तो ये ऑन हो जाता है। ये देखो गाइस ऑन हो चुका है, इसमें लाइट जलने लगी है। अब हम इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करके इसके अंदर कैसा म्यूजिक आता है इसको चला करके देखते हैं। गाइस हमने इसको कनेक्ट कर लिया ब्लूटूथ से, अब हम इसको इसके अंदर सॉन्ग्स प्ले करके देखेंगे कितनी मस्त लाइट आ रही है ना इसके अंदर। ये देखो गाइस आपने कितना मस्त इसके अंदर साउंड आ रहा है। इस स्पीकर का प्राइस है गाइस 200 रुपीज, और इसको रख देते हैं। और इसके बाद गाइस हमारे पास है दो गिफ्ट बॉक्स, ये देखो आप सबके लिए काफी प्यारे पारे, ये हमने 5-5 रुपए में खरीदे हैं, तो इनको एक साथ ओपन कर लेते हैं। ये हमारा पिंक वाला गिफ्ट बॉक्स, ये हमने ओपन कर दिया है थोड़ा सा, और ये है हमारा ब्लू वाला गिफ्ट बॉक्स। तो दोनों के रिबन हमने हटा दिए हैं, तो इसको ओपन करते हैं, पहले पिंक वाले को देखते हैं इसमें क्या मिलता है हमें। तो ये हमने ओपन किया तो इसके अंदर ये हो गया खाली, इसमें मिला हमें एक स्पिनर, छोटा सा स्पिनर ये देखो, और 3 कैंडी मिली और एक स्पाइडर मिली है। देखो गाइस कितनी बड़ी येलो कलर की स्पाइडर मिली है इसके अंदर हमें, और पीछे एक हमें डोरेमोन का कार्ड भी इसमें मिला है। चलिए इसको रख देते हैं और दूसरा बॉक्स खोलते हैं और इसमें देखते हैं क्या मिलेगा। तो इसमें तो काफी बड़ी चीजें दिख रही है मुझे, तो इसको निकाल लेते हैं बाहर। तो ये देखो वाओ गाइस, इसके अंदर एक भूत वाला नाखून मिला है हमें लंबा सा, 3 कैंडी मिली है। ये देखो भूत वाला नाखून है कितना बड़ा, और ये देखो गाइस इसके अंदर 3 कैंडी मिली है और एक बलून मिला है, और इसके अंदर एक गन मिली है। ये देखो गाइस गन के साथ काली काली रंग की गोलियां भी हमें यहाँ पर मिली हैं। ये देखो गाइस काफी बढ़िया है, इसके अंदर तो 3-3 गिफ्ट निकल गए 5 रुपए में, इसने मौजी करा दी, और पहले वाले में कुछ भी नहीं निकला था। ये देखो गाइस कितना मस्त है ना, कैसी लगी आपको ये गन कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद गाइस ये देखो हमारे पास एक चप्पल वाला शार्पनर, यहाँ से पेंसिल डाल के शार्प करो और ऐसे कचरा निकाल के फेंक दो, ये 10 रुपए का शार्पनर है दोस्तों। और इसके बाद गाइस हमारे पास एक कार वाला शार्पनर, यहाँ से पेंसिल डाल के शार्प करो और बाद में ऐसे ओपन करके कचरा निकाल के फेंक सकते हो आप लोग। तो कैसा है ना गाइस, क्यूट है ना गाइस ये कार वाला शार्पनर, ये 10 रुपए का शार्पनर है दोस्तों। और इसके बाद गाइस हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सेट है शार्पनर वगैरह का, तो मैं ये निकाल कर दिखाता हूँ आपको, ये काफी क्यूट लगेगा आपको। तो ये देखो गाइस इसमें हमें क्या क्या मिलता है, इसमें हमें मिलता है एक शार्पनर, एक हमें मिलती है इरेजर जो कि साबुन की शेप की होती है, यहाँ से पकड़ के आप इरेज कर सकते हो, और एक एक्सटेंडर मिलता है, या फिर आप इसको पेंसिल को कैप बना करके भी, पेंसिल की कैप भी बना सकते हो और पेंसिल के ऊपर भी आप इसको लगा सकते हो, और ये जो है हमें 20 रुपीज में मिल जाती है। इसके बाद गाइस हमारे पास है प्रिंसेस वाला ज्योमेट्री बॉक्स जो कि काफी बड़ा ज्योमेट्री बॉक्स है, इसको आप खोलेंगे तो इसके अंदर काफी सारी आइटम हमें पहले से ही मिल जाती है, जैसे इरेजर शार्पनर पेंसिल और स्केल मिल जाता है, और ये ट्रे है, इस ट्रे को हटाएंगे तो इसके नीचे भी आपको काफी बड़ा स्पेस देखने के लिए मिल जाता है, और इसको बंद करेंगे तो ऐसे बंद कर सकते हैं, और इसके नीचे भी आपको काफी बड़ा स्पेस देखने के लिए मिलेगा। और इसके बाद भी एक मार्कर मिलता है जो कि चलता भी है गाइस, ये देखो इस तरीके से, और इस मार्कर से आप इसके अंदर ब्रश भी मिलता है, इससे आप मिटा सकते हो। इस ज्योमेट्री बॉक्स का प्राइस है गाइस 200 रुपीज, काफी बढ़िया प्राइस है। नेक्स्ट गाइस हमारे पास एक काफी बढ़िया रैबिट वाला पाउच है, और ये काफी एक ये बैग का काम करता है गाइस, इसके साथ हमें स्ट्रैप भी मिलती है जिसके हेल्प से आप यहाँ पर लगा के लटका सकते हो इसको, और इसके अंदर हमें कुछ चीजें मिलती है, एक मिरर मिलता है, ये देखो इस मिरर के अंदर आप फेस भी देख सकते हो अपना, और इसके साथ हमें क्या मिलता है, इसके साथ हमें मिलता है ये देखो कीचेन मिलता है काफी प्यारा, ये देखो कितना प्यारा कीचेन इसके साथ मिला है, और लास्ट में इसके साथ हमें मिलता है कॉम्ब, ये देखो एक कंघा भी मिल जाता है पूरा मेटल का बना हुआ। तो ये चीजें इसके साथ मिलती है, ये हमें 100 रुपीज का रैबिट वाला बैग मिल जाता है। इसके बाद हमारे पास है इरेजर का सेट, ये इरेजर का सेट आप खोलेंगे तो इसके अंदर काफी प्यारी प्यारी चीजें मिलती है, जैसे कि एक डायमंड मिलता है, और ये देखो गाइस हमें इसके अंदर क्राउन मिलता है प्रिंसेस का, ये सब इरेजर है गाइस, और ये देखो ये कैंडी मिलती है, ये मैजिक वाली छड़ी है प्रिंसेस की, और ये प्रिंसेस का महल है। तो ये कैसे लगा आपको इरेजर का सेट कमेंट में जरूर बताना, इसका प्राइस है 30 रुपीज। इसके बाद गाइज हमारे पास कुछ पेन है, मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे पास है गाइज ये पेन, एक है हमें चाउमीन खाने वाला पेन, इसको फॉक वाला पेन भी बोलते हैं, और इसको आप यहाँ से ओपन करके चला के यूज कर सकते हो। देखो गाइज कितना मस्त पेन है ना,
और ये गाइस 40 रुपीज का पेन है। इसके बाद गाइस हमारे पास है नाइफ वाला पेन, ये हमने 40 रुपीज का लिया। इसको आप ऐसे खोल के चला करके यूज कर सकते हो, ये देखो कितना मस्त लग रहा है ना ये नाइफ वाला पेन, ये नकली नाइफ है गाइस। और इसके बाद गाइस हमारे पास है डायनासोर वाला पेन, इसके अंदर लाइट जलती है और इसको आप ऐसे खोल के यूज कर सकते हो। इसका प्राइस है गाइस 30 रुपीज। इसके बाद गाइस हमारे पास है गन वाला पेन, इसको आप ऐसे खोल के यूज कर सकते हो और एक गन को आप ऐसे भी मोड़ सकते हो, ये देखो गाइस कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर एक लाइट भी दी गई है, इसके अंदर लाइट भी जलती है। इसका प्राइस है गाइस 80 रुपीज। इसके बाद गाइस हमारे पास एक डायमंड वाला ये पेन, तो इसको आप ऐसे खोल ऐसे घुमाएंगे तो इसमें टिप बाहर आ जाती है यहाँ पर, और वापस घुमाएंगे तो बंद हो जाती है, ऐसे घुमाएंगे तो आ जाती है, वापस से बंद हो जाती है। और लास्ट में गाइस हमारे पास है पेपा पिग वाला पेन, ये मल्टी कलर पेन है, इसके अंदर टोटल 10 कलर हमें देखने के लिए मिलते हैं। और इस पेन का प्राइस है गाइस 80 रुपीज। और कोई भी कलर आपको निकालना है वो निकालो, और जब बंद करना हो तो इसको पुश करो, ये बंद हो जाती है। कोई सा भी कलर निकालना निकालो और इसको पुश करो तो टिप अंदर चली जाती है। ये 80 रुपीज में मस्त पेन है गाइस। मैंने आपको सारी चीजें एक एक करके दिखाई, आई होप आपको मजा आया होगा। मजा आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, व्हाट्सएप फेसबुक पर कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या क्या अच्छा लगा, और अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर बताना। और चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं गाइस, फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस हम हमेशा ही चैनल पर लाते रहते हैं। बाय बाय।